उस बहू को भी खाने के लिए नहीं देता था, रात दिन मारपीट कभी पति करता था, कभी सास करती थी, कभी। ये सारा परिवार जो है जी बदतमीज किस्म का था, बेतमीज और बेशरम किस्म का था। जी जी बूढ़ी, एक सेकंड सर, यहाँ पे एक सवाल उठता है, बूढ़ी रहने के बावजूद भी मतलब किसी के ऊपर रेप केस के लगा देता था। एकदम विकास करेगा समाज, विकास करेगा, विकास शब्द नहीं बोलिए यहाँ तो विनाश बोलिए, इस तरह से मेरे समाज का विनाश होगा, विकास कैसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा विकास शर्मा और अभी आप देख रहे प्रमुख भारत और इस वक्त मौजूद है जमुनिया थाना में और ये ठठरी टोला पड़ता है और ये घर देख सकते हैं, ये घर जो आपको देख रहे होंगे ये एक्चुअली घर जो है टूटा नहीं है, यह कुर्की किया गया है। क्यों कुर्की किया गया मैं आपको दो शब्द में बता दूं, कुर्की इसलिए किया गया, सास जो एक बहू को मार देता है, सास जो है इतना हरामी है, सास नहीं वो दरिंदनी सास है, वो सास जो है इससे पहले भी अपना बेटा का शादी किया था, उसको मार पीट के भगा दिया गया था, फिर दूसरे जगह अपना बेटा का शादी किया, फिर से मतलब कि उसको मार दिया गया। इससे पहले एक महीना पहले उनका शादी हुआ था, बाकी ये जो घर देख रहे हैं घर में कोई नहीं है, सारे लोग भागे हुए हैं, बाकी पड़ोसी है, आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है मामला, आखिर क्यों ऐसा किया गया, क्यों एक सास को, सास जो है मतलब एक पुतों को मार दिया। इस तरह की घटना समाज में दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा लग रहा है ग्राफ जो है हमेशा मतलब कि बढ़ रहा है, क्राइम घट नहीं रहा है और हमारा सरकार जो है वो दिन पर दिन बोल, समाज हमारा सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, क्या सर समाज दिन पर दिन मतलब कि बोल रहे हैं हमारा बेटी सुरक्षित है, अभी तो सुरक्षित है नहीं। इस तरह की घटना दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, कहीं मतलब कि पति जो है मार देता है पत्नी को, कहीं सास मार देता है, कहीं मतलब कोई और मार देता है, इस तरह की घटना दिन पर दिन होती रहती है। यहाँ पर जो घटना हुई है वो किस तरह की घटना है, जानकारी देंगे सर आप? यह बहुत ही दर्दनाक और विभत्स घटना है जी, भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए जी। और भारत के प्रबुद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करता हूँ जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी कि आपका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, लेकिन यहाँ तो आए दिन बेटी की निर्मम हत्या कर दी जाती है जी बिल्कुल, और लाश को रातों रात गायब कर दिया जाता है जी। घटना के करीब 4 साल बीतने जा रहा है जी और 5 नामजद अभियुक्त है जी, इसमें से एक भी पुलिस की हिरासत में नहीं है, कानून के पकड़ में नहीं। हत्या करने के बाद जो है ये लोग घर से फरार हो गए, बिल्कुल फरार हो गए। जो जिसको मारा गया था उनका लाश कहाँ है? वो डेड बॉडी रातों रात जी गायब हो जाता है, गायब कर दिया, और सुबह में नौगछिया पुलिस जी अधीक्षक के माध्यम से रिकवरी किया गया, पोस्टमार्टम किया गया, बाकी जो परिजन को बाद में सौंप दिया गया, परिजन को सौंप दिया गया उनके मतलब कि मायके वाले को सौंप दिया। मायके वाले एक्शन लिए हैं इस घटना को? वो तो बहुत गरीब लोग हैं और उन्होंने पुलिस में FIR तो किया है जी, लेकिन आगे की कार्रवाई त्वरित गति से नहीं होती है, यह काफी कच्छप गति से। सर ये भी हुआ है कि इससे पहले बेटा का कहीं और शादी किया था, जैसे कि इससे पहले शादी किया था एक बेटा का मतलब कि उस बहू को जो मारपीट के भगा दिया गया था, फिर से दूसरा शादी किया, इससे पहले कितना दिन पहले शादी किया था वो? पहले बड़ा बेटा विजय नाम था उसका जी, उसके शादी किया था पूर्णिया जिला या अररिया जिला में कहीं किया था जी, लेकिन उस बहू को भी खाने के लिए नहीं देता था, रात दिन मारपीट कभी पति करता था, कभी सास करती थी, कभी ननद। क्यों मारपीट करता था, उसको खाने के लिए नहीं देता था सर, ये जानकारी है आपको? ये सारा परिवार जो है जी बदतमीज किस्म का था, बेतमीज और बेशरम किस्म का था। जी जी जी, जी। अभी जिस भाई का मेरा श्राद्ध हो रहा है जी तो सेंचुरी लगाए हैं जी, इनके ऊपर भी उन्होंने धमकी देकर, जबकि उस बहू को बचाने के लिए पड़ोस में तो जाएंगे ही, बिल्कुल बिल्कुल, अगर पड़ोस में कोई घटना होती है कोई विवाद होता है तो आप लोग बचाने के लिए जाएंगे ही जाएंगे। भारत सरकार का कानून का व्यवस्था ऐसा है जी कि महिलाओं को ज्यादा तरजीह दी जाती है कि महिला जो केस किया वही सत्य है, चाहे वो गलत हो कि चाहे झूठा हो। जी जी जी, आए दिन डोरी एक्ट में भी लोग फंस जाता है जी, और रेप केस कर दिया तो इसके प्रमाण का कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है जी, तो लोग मुसीबत में पड़ जाता है। तो मेरे बड़े भाई के साथ ऐसा ही हुआ था जी, लेकिन हम लोग इस तरह के आदमी हैं जो न बाल बाल बचे, लोग डर से उनके यहाँ नहीं जाता था।
अच्छा डर से नहीं जाते जी जी, क्योंकि मैंने फिर किसी के ऊपर में रेप केस हो जाएगा तो केस हो जाएगा उससे कोई बात नहीं है। एक बूढ़ी, एक सेकंड सर, यहाँ पे एक सवाल उठता है, एक बूढ़ी रहने के बावजूद भी मतलब किसी के ऊपर रेप केस के लगा देता था? एकदम एकदम एकदम, कितनी बच्चलन और बेशरम औरत थी वो, मतलब किसी के ऊपर। एक 100 साल का आपका मतलब कि जो बड़ा भाई था वो समथिंग कितना साल का था? 100 तो शतक लग ही गया, अभी दिखाते हैं फोटो मेरा कहाँ है ला तो भैया का भी। मतलब कि 100 साल के ऊपर के बूढ़े के ऊपर मतलब कि रेप केस का मतलब कि एफआईआर दर्ज कर दिया, वो कैसी साहस थी, उसको शर्म आना चाहिए इस तरह की घटना करने में, और कैसे ये लगा दी बाकी पुतों को भी मतलब कि भगा देती है, मार देती है, इस तरह की घटना करने में वो एक्सपर्ट होगी? एक्सपर्ट थी, कहीं ना कहीं वो एक्सपर्ट थी, तभी इस तरह की घटना को आम समझ ली थी। समाज में इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए, समाज में इस तरह की नहीं करना चाहिए, तो कभी इस घटना से करने से पहले आप लोग को एक तरह से आम आदमी भी एक्शन ले सकता है सर। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं बताइए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करेंगे कि 4 साल घटना के बीच जाने के बाद भी अगर अपराधी नहीं पकड़ में आता है तो आपका प्रशासन किस रूप में है, क्या काम कर रही है? प्रशासन कहीं ना कहीं सोई भी है इसका मतलब? बिल्कुल सोई भी है, आज कल भी जो वक्त, हालांकि हम ही लोग विटनेस में हैं, हम ही हैं व्यक्तिगत हम में हैं जी, तो खाना पूर्ति कर दिया जी, उनका तो जमीन को मन जमीन दोज कर देना चाहिए, घर मकान को बिल्कुल कर देना चाहिए था, तब ना अपराधी डरेगा। आज उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर बुलडोजर नहीं चलाते तो आज अपराध पर नियंत्रण नहीं होता, नहीं होता। अगर आप भी अगर इस तरह से कर देते तो उसका वो कहीं भी छिपा हुआ अपराधी तो उसका कलेजा का जो किडनी है ना वो हिल जाता बिल्कुल हिल जाता। और आप खाना पूर्ति कर दिए सब कुछ तो उसका है, आएगा तो 1000-2000-5000 में मकान तैयार हो जाएगा, आपने उसको क्या दंड दिया? कोर्ट आपको कुर्की जब्ती करने के लिए कहा है, खाना पूर्ति के लिए नहीं। आप लोग भी मीडिया प्रभारी हैं तो जैसे देख लीजिए, फोटो कर लीजिए और वायरल कर दीजिए। इस तरह की घटना कैसे सजा मिले इस अपराधी को, मतलब कि बहुत बड़ा अपराधी है, इस तरह की घटना आए दिन समाज में होते रहता है, फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पे आके होगी आपके गाँव में जी, जी। बाकी प्रशासन से आप क्या उम्मीद करना चाहते हैं, बाकी उस महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर तुम वीडियो देख रही है, तुमको शर्म आना चाहिए और उनके बेटों को भी शर्म आना चाहिए, बेशरम को किस तरह से अपना पत्नी को मतलब कि मार दिया, क्या सर उनके पत्नी को मतलब कि मार दिया, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग पढ़ते थे नो नॉलेज विदाउट कॉलेज एंड नो लाइफ विदाउट वाइफ, वाइफ के बिना पत्नी के बगैर तो इंसान की कोई जिंदगी ही नहीं है, जिंदगी नहीं है। और ये कैसा पति है कि अपनी पत्नी की हत्या अपने हाथ से करके अपने जीवन को नरक में बना लिया, नरक में नहीं वो अपने अनुसार स्वर्ग बना लिया, इसी वजह से सर मार दिया स्वर्ग, वो अपना पत्नी को मार करके, क्या सर स्वर्ग समझता था पत्नी को मार कर, तभी ना पत्नी मतलब कि पत्नी को मार दिया और अपना आप में महसूस कर रहा हम स्वर्ग में चले गए। ऐसे निष्ठुर जी, आतताई जी, और समाज के कलंक को जी सख्त से सख्त कानूनी सजा मिलनी चाहिए जी। हम तो कहते हैं कि उनको फांसी की सजा मिले, बिल्कुल, ताकि समाज में और कोई अगर पत्नी के प्रति ऐसी भावना रखता है तो उसका कलेजा टूट जाएगा, कल हिम्मत टूट जाएगा, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, समाज की बदनामी नहीं होगी। उसकी बहू मरी है, उसकी बहू मारा उसने जी। लेकिन पुलिस जब भी आएगी तो पड़ोसी को तंग, कहाँ है वो, कहाँ छिपा है वो। सर एक सवाल ये भी उठता है, अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई अगर नहीं करेगा तो ऐसे ऐसे दरिंदे तो और पैदा होंगे ना समाज में, जरूर होंगे क्या जरूर सर होंगे। अगर समाज में अगर इस तरह की घटना दिन पे दिन और बढ़ेगा तो प्रशासन अगर सोया रहेगा तो क्या समाज कभी समाज में कभी सुधार आएगा, समाज कभी विकसित करेगा सर जी? नहीं, ये तो विकास करेगा, समाज विकास करेगा, विकास शब्द नहीं बोलिए यहाँ तो विनाश बोलिए, इस तरह से मेरे समाज का विनाश होगा, विकास कैसे होगा? विकास नहीं विनाश होगा, बिल्कुल विनाश होगा जी। तो विनाश, इस विनाशमय लीला को रोकने के लिए जी हम अपने मुख्यमंत्री से, हम अपने प्रधानमंत्री से, भागलपुर जिला पदाधिकारी से, नवगछिया पुलिस वरीय अधीक्षक, नवगछिया वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर से अनुरोध करता हूँ जी,
कि आप इस पर ऐसा एक्शन लीजिए, ऐसा एक्शन लीजिए कि भविष्य में कोई दरिंदा इस तरह से हमारे बहू के साथ जुल्म नहीं करे, बिल्कुल पुनरावृत्ति नहीं हो समाज में। बिल्कुल, मतलब कि घटना हुई है और घटना के बारे में आप लोग क्या राय देते हैं, अपना क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।